हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। सॉरी गाइस, कल कोई वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, और हम जानने वाले हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है, और हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। इसलिए गाइस, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू, और जानते हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है, और हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर रे फिनिक्स और क्लूडियो कैसनोली एक डबल जेपर्डी मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर आपको नहीं पता कि डबल जेपर्डी मैच क्या है, तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये मैच एक तरीके से एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है। यानी कि यहाँ पर रे फिनिक्स, जो कि रिंग ऑफ ऑनर के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस की वन हाफ है, वो रिंग ऑफ ऑनर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि क्लूडियो कैसनोली को फेस करेंगे। और इस मैच के अंदर जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतेगा, उसे अपने अपोनेंट के चैंपियनशिप के लिए एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिसका मतलब है डबल जेपर्डी मैच। और इस कंडीशन के साथ हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और गाइस, इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच होगा, जहाँ पर रे फिनिक्स और क्लूडियो कैसनोली पहली बार एक वन ऑन वन मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आने वाले है। इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि क्लूडियो की रॉ पावर और रे फिनिक्स की एजिलिटी इस मैच के अंदर में कितना कमाल करती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लूडियो ही मैच जीतने वाले है, और प्रोबेबली क्लूडियो मैच जीत कर और एच वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टाइटल अपॉर्चुनिटी पाने वाले है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक अपनी वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप हमें बैंडिटो और बेस्ट फ्रेंड्स के खिलाफ एक ओपन चैलेंज में हाउस ऑफ ब्लैक रूल्स के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि हाउस ऑफ ब्लैक अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप हमें एक हाउस ऑफ ब्लैक रूल्स के मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। जिस मैच के रूल्स क्या है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करने वाला था, और ये रूल्स क्या होने वाले हैं, यही समझाने के लिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक अपने हाउस ऑफ ब्लैक रूल्स के अंदर अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप एक ओपन चैलेंज के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स और बैंडिटो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। और मैं भी यहाँ पर आपको शॉर्ट में इस मैच के रूल्स बताना चाहूंगा कि गाइस, इस मैच के रूल्स एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के रूल्स की तरह है। यानी कि इस मैच के अंदर सभी वेपन्स लीगल है, रिंग के बाहर आप अपने ओपोनेंट के ऊपर किसी भी वेपन से अटैक कर सकते हैं, और रिंग के अंदर किसी भी तरीके का रोब्रिक भी नहीं होगा, जो कि इस मैच के कुछ रूल्स है जो कि मैंने आपको शॉर्ट के अंदर बताए है। और इन्हीं रूल्स के अंदर हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स बेस्ट फ्रेंड्स और बैंडिटो की एक स्ट्रेंज टीम के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि मैच इतना जबरदस्त मैच होता है, क्योंकि इस मैच के अंदर डिलीवर करने का पोटेंशियल है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ही ये मैच जीतने वाला है, और वो ये मैच जीत कर स्टिल लेने वाले है AEW वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। पर गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिशन केज और लुचासोरस आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले है। इसलिए गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिशन केज और लुचासोरस आकर क्या कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक और जूलिया हार्ट एक नो होल्ड्स बार्ड मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज ये मैच एक तरीके से JS वर्सेस हाउस ऑफ ब्लैक ये स्टोरी चलने के दौरान ऑफिशियली कंफर्म होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जब हाउस ऑफ ब्लैक और JS इनके बीच में बैटल चल रही थी, तब हमें पहली बार एनर्जी और जूलिया हार्ट एक दूसरे के आमने सामने आती हुई दिखाई दी, और वो यहाँ पर अपने अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए दूसरों की टीम के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसी बीच इन दोनों का भी काफी बड़ा झगड़ा हुआ। और हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद आखिरकार ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को एक नो होल्ड्स बार्ड मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब एक नो होल्ड्स बार्ड मैच के अंदर जब AEW के दो यंग टैलेंट्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो इस मैच के अंदर किस तरीके से वर्क कर पाते हैं, क्योंकि गाइस जूलिया हार्ट के 20 इयर्स है और एनर्जी ने रेसलिंग AEW कंपनी स्टार्ट होने के बाद की है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर काफी यंग सुपरस्टार है जिन्हें काफी एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स क्या कर पाते हैं। और इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर एनर्जी ही ये मैच जीतने वाली है। पर आगे देखने के लिए मजा आएगा कि एनर्जी और जूलिया हार्ट के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि
AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी हमें AEW की इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हमने देखा है कि एक तरीके से JS वर्सेस एडम कोल इस राइवलरी के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है और शायद इसी के चलते हमें आगे गार्सिया ऑरेंज कैसिडी को उनके इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए है। और एक तरीके से ऑरेंज कैसिडी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब ऑरेंज कैसिडी और गार्सिया के बीच में इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। पर मैं यहाँ पर सिर्फ यही होप कर रहा हूँ कि JS इस मैच के अंदर इंटरफेयर ना करे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीतने वाले है और वो ये मैच जीत कर स्टिल रहने वाले है AEW इंटरनेशनल चैंपियन। पर गाइस इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर FTR आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाली है, इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर FTR आकर क्या कहती है। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा जॉन मॉक्सली को एक स्टील केज मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी काफी लंबी है क्योंकि जब से AEW स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में झगड़े और ब्रॉल हो रहे हैं और हमें इनके बीच में काफी खतरनाक मैचेस भी देखने को मिले हैं जैसे कि एक्सप्लोडिंग बार्ड वायर और लाइट्स आउट मैचेस। और ऐसी हाल ही में द एलीट और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के राइवलरी के अंदर हमें फिर एक बार जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले है लेकिन इस बार एक स्टील केज मैच के अंदर। इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ओमेगा और मॉक्सली फिर एक बार एक स्टील केज मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है और अपने इस राइवलरी के अंदर इन दोनों का ये मैच किस लेवल के ऊपर स्टैंड करता है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर जॉन मॉक्सली ये मैच जीतने वाले है क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर मॉक्सली ये मैच जीतेंगे तो ये राइवलरी आगे भी कंटिन्यू होगी, इसलिए मेरे हिसाब से जॉन मॉक्सली ये मैच जीतने वाले है। और इतनी ही चीजें है जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ होता है तो क्या है ये आपको हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?